की हाल चाल ने जी सारे ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੈਰਬੋ ਇਸਤਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨੌਮੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਨੌਮੀ ਕੀ ਆ? ਨੌਮੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੌਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, पर इहदी वरतों की हुंदी आ जां इटालियन भाषा दे विच इहदे जिहड़े रूल या रूल कहड़े अपलाई हुंदे आ, सो उहनां नूं समझना जरूरी आ। अज असीं समझांगे दो महत्वपूर्ण रूल बारे ते जिहड़ा तीसरा वा उह असीं नैक्सट वीडियो विच समझांगे, क्योंकि चीज़ कल्ली कल्ली डिटेल दे विच समझाई जावे तां उही वधिया वा, ना कि तेज़ चलण नालों चंगा। सो तेज़ नहीं चलण की जरूरत, चीज़ कल्ली कल्ली समझण की जरूरत आ। हुण जिवें कि इत्थे नौमी आ, हुण देखो कि रूल की हैगा वा। रूल हैगा जी ओ ई आ ए ए ई। हुण जिहड़ा ओ आ, ओ दी वरतों कित्थे हुंदी आ? ओ दी वरतों जिहड़ी नौमी जदों नाम दी गल हुंदी आ ते ओ कित्थे लगदा वा? ओ जदों गल करदे आ नौमे मस्कीले सिंगुलारे, सो जिहड़ा पुरशां वाला नाम आ इक वचन दे विच उहदे पिछे ओ लगदा वा, ते जो गल करिए उहदे प्लूराले दी, सो नौमे मस्कीले प्लूराले दी गल करिए, ते उहदे जो पुरशां वाला नाम बहुवचन विच वरतों हुंदी आ, ते जिथे तुसी सिंगुलारे दे विच ओ लगा रहे हो उत्थे तुसी बहुवचन दे विच ई दी वरतों करोगे। अगे आ गया जी नौ, अगे आ गया जी आ दी वरतों कित्थे हुंदी आ? आ दी वरतों हुंदी आ जी नौमे फैमिनीले सिंगुलारे दे विच। सो नौमे फैमिनीले सिंगुलारे मतलब कि एक वचन इस्त्रियां वाला, सो उहदे जिहड़ा पिछे आ लगदा वा पहचान नाम दी। ते जदों गल करदे आ ए दी, सो जिहड़ा उहदा ए, उहदा प्लूराले की आ? नौमे फैमिनीले सिंगुलारे दा प्लूराले की आ? जदों उहनूं नौमे फैमिनीले प्लूराले बणाउंदे आ उहदे पिछे लगदा वा ए। सो आ जिहड़ा तीसरा रूल आ, इहदी एक संखेप दे विच वीडियो समझावांगे बनावांगे तां कि तुहानूं क्लीयर हो सके उस वीडियो दे विच, क्योंकि इहदे वी एक रूल ने, रूल ने जिन्ना तुहानूं समझ लगेगा। पर तुहानूं इन्ना समझा दिंदा वा कि आ जिहड़ा ए आ, चाहे नौमे फैमिनीले होवे चाहे नौमे मस्कीले होवे सिंगुलारे, दोवां दे नाल ए दी वरतों ही होनी आ, ते उहनां दा जिहड़ा प्लूराले आ ई। सो इहदे लई मैं क्यों कह के एक वीडियो संखेप दे विच बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि तुहानूं चंगी तरह कल्ली कल्ली चीज़ क्लीयर हो सके। सो तुहानूं इत्थे हुण आ ते पता लग गया कि जदों नौमे मस्कीले सिंगुलारे दी गल करदे आ उहदे पिछे ओ लगदा वा, उहदा जिहड़ा प्लूराले आ उहदे पिछे ई लगेगा, नौमे फैमिनीले सिंगुलारे दी गल करदे आ उहदे पिछे आ लगदा वा ते उहदा प्लूराले ए आ। इह तां रूल हो गया कि सिंपल। सो इहदे नाल थोड़ा वध के समझदे आ कि चीज़ नूं चंगी तरह क्लीयर करदे आ। सो वध के की समझदे आ? हुण जिवें कि इत्थे लग्गिया वा उनफीलियो, उनफीलियो मतलब कि एक बेटे की गल हुंदी पई आ। हुण तुहाडे सामने है गया दुएफीली, दुएफीली दो बेटे, उनाफीलिया एक बेटी, दुएफीलिए दो बेटियां। हुण अगर इत्थे दुएफीली लग्गिया वा, इहदा मतलब यह नहीं आ कि तुसीं इह समझो कि नौमे मस्कीले प्लूराले आ ते गल सिर्फ दो बेटियां बारे ही हुंदी पई आ। अगर एक बेटा वा ते एक बेटी आ, एक बेटा ते एक बेटी आ, फिर भी दुए फीली ही होना वा। सो याद रखियो जदों नौमे मस्कीले प्लूराले दी गल हुंदी आ ते इहदा मतलब ए नहीं हैगा सिर्फ मस्कीले प्लूराले बारे ही गल हुंदी पई आ। उहदे विच अगर अगर मान लो मैं कहना वा त्रैफीली, त्रैफीली दा मतलब ए नहीं आ कि तीन मुंडे ही होणगे, इहदा मतलब आ एक मुंडा दो कुड़ियां जां दो मुंडे एक कुड़ी, वह भी हो सकती आ। क्यों? क्योंकि जिहड़ा नौमे मस्कीले आ प्लूराले आ उसनूं पहले आ। सो खास ख्याल रखियो कि जदों नौमे मस्कीले प्लूराले दे विच गल हुंदी आ तुसीं इह ना समझ लिओ कदे वी कि सिर्फ मस्कीले प्लूराले दी ही गल हुंदी पई आ। हुण जिवें गल आ जी उन बंबीनो, एक बच्चा, दुए बंबीनी दो बच्चे, उना बंबीना एक बच्ची, दुए बंबी ने दो बच्चियां। हुण थोड़ा जिहा इहनूं अपनी भाषा विच समझना जिहड़ा बड़ा ही सौखा लगे। जदों मैं कहना एक बच्चा, एक बच्चा तो मैनूं साफ पता लग रहा कि मैं एक मास्क्यो बारे गल कर रहा वा। जदों मैं कहना एक बच्ची तो मैनूं पता लग रहा कि एक फैमिना बारे गल कर रहा वा। जदों मैं कहना कि दो बच्चियां,
दो बच्चियां तो मैनूं पता कि मैं दो दो इस्त्रियां बारे गल करदा पिया, ते जदों मैं कहना दो बच्चे, सोचो इस चीज़ नूं, जदों मैं कह रहा दो बच्चे का मतलब यह भी हो सकता वा कि एक मुंडा एक कुड़ी है, एक मुंडा एक कुड़ी है, जदों दो बच्चियां कह रहे हैं मतलब कि दो कुड़ियां ही हैं, एक बच्ची कह रहा मतलब एक कुड़ी की गल कर रहा वा, एक बच्चा कह रहा मतलब एक मुंडे की गल कर रहा, पर जदों दो बच्चे क्या वा, दो बच्चे तुसी किनू कहोगे अपनी भाषा में, दो बच्चे दो कुड़ियां नू तो नहीं कहोगे, जां तां दो मुंडियां लई वरतोगे, जां एक कुड़ी एक मुंडा होगा उहदे लई वी तुसी बच्चे ही लओगे। सो कुछ चीजां नू अपने दिमाग दे नाल देखे करो, उस चीज़ नू वरत के उहनू सोचे करो कि उहदी सेंस की बनूगी, क्योंकि जदों आपां थोड़ी जी कोशिश करते हैं ना तां सानू चीज़ बहुत वधिया ही तरीके नाल पता लगती है। हुण हैगा जी नोनो, नोनो दे विच एक दादा या एक नाना, नोनी नोनी विच दादा दादी नाना नानी दोवें आ सकदे, नोना नोना विच एक दादी या एक नानी, नोने नोने विच दादी नानी दोवें इकट्ठियां आ सकदियां, पर नोने नोने तो पता लग रहा है कि सिर्फ दो फैमिने बारे ही गल हुंदी पई आ। ठीक है जी, अगे आ जी तलियां नूं, मतलब कि एक इटालियन बारे गल हुंदी पई आ, किहदे बारे, एक इटालियन किहदे बारे, एक इटालियन मास्कियो बारे, मेल बारे, इतलियानी, इतलियानी विच किहदे बारे गल हुंदी पई आ, इतलियानी विच इटालियन मास्कियो भी आ सकदा ते इटालियन फैमिना दोवें जाने आ सकदे आ, क्योंकि प्लूर आले बारे गल हुंदी पई आ, दो मास्की भी आ सकदे आ, दो फैमिने भी आ सकदे आ। ठीक है जी, नो दो फैमिने नहीं आ सकदे, एक मास्कियो ते एक फैमिना आ सकदी आ। जे आपां कहने इतलियानी, इतलियानी सिर्फ आपां दुए भी नहीं लगांदे, दुए नूं छड्डो, आपां वैसे इतलियानी कहने पए आ, इतलियानी विच पता नहीं किन्ने होण, जिन्ने भी हैगे आ, मान लो 100 होणे, सो उहदे विच कह सकदे आ कि 50 फैमिने हो सकदे आ ते 50 मास्की भी हो सकदे आ। सो याद रखियो बार बार इक्को चीज़ ते मैं तुहानूं समझाउणा आ, जिहड़ा तुहानूं पता लग जाए कि जदों गल मस्कीले प्लूराले दी हुंदी है इहदा मतलब इह नहीं हुंदा कि सिर्फ ज़्यादा पुरशां बारे ही गल हुंदी पई आ, उहदे विच पुरश ते इस्त्रियां दोवें ही आउंदियां ने, पुरश दा होणा जरूरी है, पुरश दा होणा जरूरी है, पर नाल इस्त्रियां वी आ सकदियां वा। ठीक है, सो इतलियाना कि एक इटालियन औरत बारे ही गल हुंदी पई आ, इटालियन इस्त्री बारे ही गल हुंदी पई आ, इतलियाने के ज्यादा इटालियन स्त्रियों बारे गल हुंदी पई आ। अमीको दोस्त, अमीची ज्यादा दोस्तों बारे, अमीका सहेली, अमीके सहेलियां, सो मुंह ही बोलिया तो पता लग रहा वा सहेली कौन, सहेली एक कुड़ी एक मुंडा तो नहीं हो सकता, कुड़ी होगी, सहेलियां दे विच की होगा, सहेलियां दे विच ज्यादा कुड़ियां ही होणगियां, मुंडा तो होगा नहीं, अमीको एक दोस्त है, जो अमीची है, अमीची विच कुड़ी मुंडा दोवें इकट्ठे भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इंडियानो एक इंडियन मास्कियो बारे गल हुंदी पई आ, इंडियानी, इंडियानी विच मास्की फैमिने दोवें आ जांदे आ, इंडियाना सिर्फ एक इंडियन फैमिना बारे ही गल हुंदी पई आ, ते इंडियाने के ज्यादा इंडियन फैमिने बारे गल हुंदी पई आ, ज्यादा स्त्रियों बारे। सो आ ही जी नौमी दा रूल इत्थों तक जिहड़ा समझिया वा, अगली वीडियो दे विच मैं तुहानूं इह वाला रूल भी चंगी तरह क्लीयर करूंगा, क्यों, क्योंकि इहदे विच कुछ चीज़ां ने कि जिथों तुहानूं पता लग जूगा, थोड़ा अंदाजा लग जूगा, अंदाजा एक तां जदों असीं इहनूं बोलदे हाँ सानूं अपनी भाषा तो पता लग जाता, जिवें कि मैं थोड़ा जिहा तुहानूं रब करके इहदा एक रूल दसदा वा, क्योंकि संखेप दे विच मैं नैक्सट वीडियो 'च ही तुहानूं समझाऊंगा, क्योंकि चंगी तरह चीज़ नूं क्लीयर कीता जावे ना उहदा थोड़ा ज़्यादा वधिया रहिंदा वा। हुण जिवें कि मैं तुहाडे सामने लिख लगा वा, ध्यान नाल देखियो, की आवे, की आवे, की आवे तो की ना पता लग रहा, की आवे चाबी, चाबी अकॉर्डिंग टू तुहाडी सेंस की आ, चाबी एक नौमे मस्कीले ते लगदा ही नहीं है, चाबी एक नौमे फेमिनीले लगदा वा, सो ये पता वा कि एक नौमे फेमिनीले आ। ठीक है जी, तो यदा जो प्लूराले आ वह होगा जी की आवे, की आवी। हुण तुसीं इहदे नाल जिहड़ा आर्टिकल की वरतों कर सकते हो, जां तां तुसीं इहदे नाल ऊना लगा सकते हो ते जां तुसीं इहदे नाल ला लगा सकते हो, ते उदां ही इहदे प्लूराले वजों, प्लूराले दे विच इहदे तुसीं इहदा लाओगे जी, जिहदा ला आ गया ते ले आ गया, ला की आवे, ले की आवी, जां ऊना की आवे, इह दुए की आवी। ठीक है जी,
आ जिहड़ा रूल आ इहनूं मैं चंगी तरह तुहानूं समझाऊंगा क्योंकि इहदे विच बहुत चीज़ां वा जिहड़ियां तुहानूं चंगी तरह दिमाग दे विच बिठाउण वालियां वा। सो नैक्सट वीडियो च मिलदे आ नौवीं दे जिहड़े साडा लास्ट वाला रूल आ। पर आ जिहड़े कीते आ तुसीं अज ओ ई आ ए इहनूं चंगी तरह समझ लियो क्योंकि अगे जदों तुसीं मान लो लिवेलो आ दुए करोगे जां बी उणो करोगे उहदे विच की होगा, उहदे विच जदों तुसीं प्रोनोमी दिरैती प्रोनोमी इंदी रैती पसातो प्रोसीमो, सो पसातो प्रोसीमो दी जो तुसीं वैर वरतों करोगे वैर वो इस तरह दे नाल को प्रति जिवे पसातो नाल, यह चीज़ बहुत ही इंपोर्टेंट है। अजे ती भी करोगे ये चीज़ सिर्फ आ जिहड़े चार रूल है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इहदे सिर ते ही सारी लगभग बहुत चीज़ां इटालियन दीआं चलदियां वा। सो साडियां जिहड़ियां क्लासिज आ कंटिन्यू ही चल रहियां ने लैंग्वेज दीआं जी, ते नवीं क्लास शुरू होण चली आ 17 नवंबर नूं शाम 5 बजे दे टाइम 'च। बहुत बहुत धन्यवाद सारे वीरां ते भैणां दा।